नमस्कार दर्शकों स्वागत है आपका और आपके पेट का हमारे पेट केयर कार्यक्रम में हम सब जानते हैं जैसे कि स्ट्रीट डॉग्स की आबादी बढ़ती जा रही है लेकिन आ, उसके मुकाबले फीडर और रेस्क्यूर की मुकाबला अभी भी कम है तो ऐसे में एक रेस्क्यूअर और एक फीडर का हर जगह पहुंचना लगभग नामुमकिन है हम इसे समझ सकते हैं एकदम एक से मुश्किल है तो ऐसे में आ, एक स्ट्रीट डॉग्स की जान को कैसे बचाया जा सकता है कैसे ऐसे, ऐसे विकल्प चुने जा सकते हैं जिससे कि उनका जो मोर्टैलिटी रेट है जिसे हम समझ सकते हैं मृत्यु दर है वो कम करा जा सके तो आज के टॉपिक के बारे में समझने के लिए जानने के लिए हमारे बीच में दो विशेषज्ञ शामिल हैं जिनका नाम है डॉक्टर रमेश डॉक्टर रोमेश जो एक वेटनरी डॉक्टर हैं और जिन्होंने कई हजारों जाने बचाने में हमारी बहुत ही सहायता करी है और हमारी दूसरे विशेषज्ञ जी हैं डॉक्टर हमारी दूसरी अतिथि है हमारी दूसरी अतिथि हैं मिस रिधि मिस रिद्धि भी अपना एक एनजीओ चलाती हैं जिनका नाम है कर्तव्य सोसाइटी और बहुत ही कर्तव्य के साथ वो छः से ज्यादा बच्चों को रोजाना खाना खिलाती हैं तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारा पहला सवाल है मिस रिधि जी से रिधि जी मैं जानना चाहती हूं कि मोटेलिटी रेट जैसे कि स्ट्रीडॉग्स का बढ़ता जा रहा है बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं देखिए पहले तो मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज बताना चाहूंगी कि हम स्ट्रीट डॉग को घर बोलते हैं कि आवारा है इनका कोई घर नहीं है और हम इस चीज को हमारे लिए इतनी आम बात हो गई है उनको बोलना कि आवारा है बेसहारा है उसका मेन कारण ये है कि हमने कहीं ना कहीं उन्हें सहारा नहीं दिया है उनको हमने घर नहीं दिया है तो उनके पास कोई विकल्प रहे ही नहीं है उनके पास उनकी रोड है उनके पास स्ट्रीट है जहाँ पे उन्हें कैसे भी सर्वाइव करना है हाँ। अब रही बात मृत्यु दर की ये बेशक बढ़े हैं जैसे अभी के टाइम में आप देखें कि हमारा वातावरण में इतनी ज्यादा तेजी आई है इतने बदलाव आए हैं कि अभी गर्मी इतनी ज्यादा है हम भी अगर घर से बाहर निकलते हैं या हम कहीं जाते हैं तो हम दस बार सोचते हैं उसके साथ ही साथ इतना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है तो जिस वजह से बहुत एक्सीडेंटल केसेस होने लगे हैं गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक आना कई तरीके की बीमारियां आना जिससे बहुत ज्यादा उनकी जिंदगी में प्रभाव पड़ा है कहीं कही ना कहीं कुछ कारण है कि हम इन डॉग्स को घरेलू डॉग्स क्यों बोलते हैं क्योंकि ये हमारे व्यवहार पर डिपेंड करते हैं या हम जिस तरीके से उन्हें पालेंगे जिस तरीके से प्यार देंगे उस तरीके से उनकी जीवन शैली में भी बदलाव आएगा अगर हम इन्हें खाना देंगे तो इनको खाना मिलेगा अगर हम इन्हें खाना नहीं देंगे तो इनको ये बेचारे जाएंगे कहाँ रोड इनके लिए घर नहीं है ये तो सिर्फ एक विकल्प है कि उनके पास कोई जगह ही है नहीं है तो कहाँ जाए हाँ। तो इस वजह से मैंने ये भी ये बहुत ज्यादा पाया है कि जैसे जैसे, जैसे वक्त बीत रहा है जैसे जैसे पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं इनकी भी डेथ की संख्या बढ़ती जा रही है एक्सीडेंट्स होते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा ये मोरलिटी रेट भी बढ़ रहा है अच्छा तो आ, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि हम इनका जो मृत्यु दर है उसे कम कर सकते हैं देखिए सबसे पहला तो होता है एबीसी प्रोग्राम ठीक है ये एक स्पेस सर्जरी होती है जिसके बारे में डॉक्टर रोमेश आपको और अच्छे से बता पाएंगे बीइंग अ प्रोफेशनल बट ये एक सर्जरी होती है जिससे हम ऑपरेशन के बाद डॉग्स की जनसंख्या में बहुत ही ह्यूमेन तरीके से काबू ला सकते हैं उसके बाद यह होता है खाना हर जैसे इंसान के लिए रोटी कपड़ा मकान एक बहुत ही आम और बहुत ही जरूरी चीजें है उसी तरीके से इन जानवरों के लिए भी खाना देखे बिना खाने के कोई जी नहीं सकता बिना पानी के कोई जी नहीं सकता उसी तरीके से अगर हम इन जानवरों को खाना देंगे इनको पानी देंगे और शायद थोड़ा सा अगर शेल्टर भी दें तो इनके मृत्यु दर में भी बहुत कमी आएगी क्योंकि जब भी अगर हम भी बाहर जाते हैं धूप में या कहीं जाते हैं तो हमारे माँ बाप हमसे यही बोलते हैं कि बेटा भर पेट जाओ भूखे मत जाओ और जब हमारा पेट भरा रहता है तो हम भी कई बीमारियों से हमारी शरीर में भी एक ताकत भी, आती हा, है हा, हा, कि हम लड़ पाए और भूखा पेट कई बीमारियों को कमजोर शरीर अट्रैक्ट भी करता है तो एक बहुत ही बेसिक सी चीज है कि अगर हम खाना देंगे उन्हें पानी देंगे अगर हम अपने व्यस्त जीवन शैली में कुछ हाँ, हमें अलग करने की जरूरत नहीं है हुँ, अगर हुँ, हम सिर्फ इतना भी करेंगे ना तो बहुत ज्यादा बदलाव आता जाएगा अच्छा, ये एक आम आदमी आसानी से कर सकता है अच्छा जी तो डॉक्टर मेरा आपसे सवाल है कि हम जैसे रिधि जी ने कहा कि हम घर के बाहर अगर खाना रखें ऐसा कुछ खाना प्रदान करें या शेल्टर प्रदान करें तो उनके मृत्यु दर में थोड़ी सी कमी आ सकती है तो हम मैं जाना चाहती हूँ कि किस तरीके का खाना हम घर के बाहर रख सकते हैं जनरली देखा जाता है इंडियन सोसाइटी में जो रहता है घर पे चावल मिलते हैं राइस मिलती है चपाती मिलती है Uh, साथ में दूध काट आराम से मिल जाते हैं गाँव में तो दूध और काट दही की काफ़ी सारी वैरायटी रहती है काफ़ी तो जनरली लोग क्या करते हैं आज भी अपना घर के गेट के बाहर पे दूध और ये सब रखते हैं तो ये बहुत आसानी से ही मिल जाता है और डॉक्स के लिए काफ़ी अच्छा भी रहता है uh, न्यूट्रिश भी रहता है प्रोटीन्स रहते हैं वाइटामिन रहते हैं अच्छे काप्स रहते हैं तो ये सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है कि घर के आगे कुछ वेजिटेबल्स भी रख सकते हैं फ्रूट्स भी रखते रख सकते हैं अपना जो जनरली मिल जाता है पपीता मिल जाता है बनाना मिल जाता है फ्रूट्स में ये अच्छा रहता है, healthy रहता है, से अच्छा। तो, अच्छा 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 तो अगर मसाले वाला खाना खिलाते हैं तो मान लो जैसे किसी के घर में दाल और चावल बच गया है चावल तो चलो ठीक है पौष्टिक है एक ब्लेंड फूड है लेकिन अगर हम दाल जैसे जिसमें मसाले हैं ऐसा तरीका का अगर कोई खाना रखते हैं तो किस तरीके की बीमारियाँ हो सकती हैं जनरली क्या होता है डॉक्स को जो डॉक्स के टेस्ट वर्ड होते हैं जो सूंघने की और क्षमता होती है और जो टेस्ट करने की क्षमता होती है ह्यूमन से छः गुना कम होती है अच्छा। तो क्या होता है कि डॉक्स ना ये सब टेस्ट को नहीं कर पाते टेस्ट नहीं कर पाते तो इसमें स्मेल पावर एक लाख ज्यादा गुनी तक हो सकती है तो अच्छा। ये स्मेल करके चीज़ों को अट्रैक्ट होते हैं जनरली जो होता है डॉक्स में उसके बाद ये चीज को खाते हैं तो ये मसाले वाला जो खाना होता है वो जनरली क्या होता है कैच करता है टेस्ट स्मेलिंग के द्वारा टेस्ट कैच करता है hmm. तो जब ये डॉग खाना खाता है तो क्या होता है उसके पेट में स्टोमक अपसेट हो जाता है डायरिया होने के चांस रहते हैं वोमिटिंग होता है hmm. हार्ट वन जैसी डिसीज होती है और जनरली वो जब कंटिन्यू उस चीज़ को लाइफ स्टाइल में ले लेता है hmm. तो उसकी वजह से क्या होता है हार्ट अटैक बीमारी क्रॉनिक रेनियल फेलियर जो जनरली डॉग्स में ह्यूमन में देखी जाती है लाइफ स्टाइल डिसीज थायरॉयड हो गया आपका आपका क्रॉनिक रेनियल फेलियर हो गया किडनी की फेल की बीमारियाँ हो गई डायबिटिक पेशेंट हो गए हाई प्रेशर के केसेस हो गए जो ह्यूमन में देखा जाता है वो आजकल डॉग्स में भी देखने को मिल रहा है वो इसी लाइफ स्टाइल डिसीज की वजह से देखने को मिल रहा है जो जनरली गलत फूड देते हैं लोग डॉग्स को अच्छा ओके okay. तो जी मेरा आपसे सवाल है कि कि जैसे इन्होंने कहा कि गलत फूड देने की वजह से, गलत लाइफस्टाइल होने की वजह से कई बार इंसानों जैसी जो बीमारियां हैं वो डॉग्स में भी लग जाती हैं। जैसे आपने कर्तव्य सोसाइटी जब खोला था जो आपका एनजीओ है उसमें तकरीबन 600 से भी ज्यादा बच्चे एक, एक हिस्सेदार हैं एक तरीके के तो आप लगभग छह सौ से ज्यादा बच्चों को सभी को रोज खाना खिलाती होंगी तो आ, मैं समझ सकती हूँ आपको सबसे ज्यादा समझ में आता होगा कि कैसे डॉग्स को किस तरीके की बीमारियां लग रही है रोड पर जो रह रहे हैं तो आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे देखिये सबसे जो मेजर बीमारी है हम उसे खाज बोलते हैं हाँ। आप देखते होंगे रोड पे जा रहे हैं डॉग्स जा रहे हैं हाँ। जिनमें जिनके शरीर में बाल नहीं है हाँ। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है जैसे डॉक्टर रोमेश ने भी मेंशन किया कि जो लाइफस्टाइल स्टाइल बीमारियां है हाँ। इसका जो अंडरलाइंग कॉज होता है वो हाँ। होता है प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट ना मिल पाना अच्छा। जब अच्छा खाना नहीं मिलता बॉडी में वो इम्यूनिटी नहीं आती है जिस वजह से शरीर में काफी तरीके की बीमारियां अट्रैक्ट होती हैं उसमें अटैक करती हैं अब थायराइड भी होता है जिस वजह से भी खाज की बीमारी होती है कि हम दवा भी दे रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे और काफी लोग अगर देख रहे होंगे वो ये देख रहे होंगे कि उनके घर में भी कुछ पेट्स हैं जिनको ये बीमारियां है खाज है ठीक क्योंकि हमारे पास काफी मैसेज आते हैं मेरा पेट है मैं बहुत दिन से खाज की बीमारी का इलाज करा रहा हूँ ठीक नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं आप अगर न्यूट्रिशन पे वर्क करेंगे ना तो वो होगा पहली चीज तो ये है कि भाई इस तरीके की अंडरलाइन कॉज में कि रीजन क्या है न्यूट्रिशनल डाइट आप प्रोवाइड करना शुरू करिए और आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा चेंज आएगा उसके बाद हमें जो देखने को मिलता है वो होता है एक्सीडेंटल केसेस कि गाड़ियां मार के चली गई हैं पैर टूट गया है हाथ टूट गया है और

वो फैटल ही है, उनकी डेथ ही होनी है अच्छा ये इंसानों को नहीं फैलती है ये हाँ। एक जानवर से दूसरे जानवर अच्छा, में फैलती अच्छा, है तो ये जो है हमें बहुत ही आम लेवल पे देखने को मिल जाती है इस तरीके अच्छा। की बीमारियां तो जैसे गर्मी में जैसे जी। ने बताया डिस्टेम्पर जैसे वायरस और जैसे कई ज्यादा वायरस जो है वो एक्टिव हो जाते हैं तो ऐसे और सिक और ऐसे कौन से उपचार हैं या ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम गर्मियों से बचा सकते हैं स्ट्रीट डॉग्स को देखिए मैं अपने अपने एक्सपीरियंस पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जैसे हम 600 से ज्यादा जानवरों को खाना खिलाते हैं तो हम सुबह-सुबह ही सुबह 5 बजे से उठकर उठके उन्हें खाना खिलाना शुरू कर देते हैं हु, क्योंकि अगर भरी दोपहर से पहले ही हमारा पेट भरा होगा हां हां बिल्कुल उस धूप से लड़ने के लिए उस मौसम के जितना भी विपदा आ रही है उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर तैयार है उन्हें भटकना नहीं पड़ रहा है इधर से उधर खाने की मार के लिए बिल्कुल, बिल्कुल तो पहली चीज तो हम ये करते हैं सुबह सुबह ही जानवरों को खाना अपने बच्चों को खाना खिला देते हैं ताकि हुँ. दिन भर उनको परेशान ना होना पड़े हुँ. दूसरी चीज ये है जो हर कोई कर सकता है वो है कि अपने घर के बाहर ऑफिस के बाहर एक पॉट रखें जिसको रिफिल करें पानी के लिए ही आपको ही कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना बस एक पॉट रखिए रोज उसे रिफिल करिए और ही ही उसके माध्यम से आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितनी ज्यादा जाने बचा पाएंगे ही 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 और तीसरी चीज हमने ये की है जैसे डॉक्टर रोमेश ने ही बोला बहुत ही इजीली अवेलेबल है वो है छाछ दही ये हर जगह अवेलेबल है तो हम दिन में होता है तो हम अपने जानवरों को ये खिलाना ऐड करते कि जब बहुत ज्यादा तापमान बढ़ा हुआ होता है तो हम उनको डाइट में छाछ दे देंगे दही अच्छा, दे देंगे जिससे उनकी बॉडी ना हीट ऑब्जर्व कर लेती है अच्छा, अच्छा तो ये बहुत ही आसान सी चीजें हैं जो कोई भी कर सकता है अच्छा, जी तो डॉक्टर मैं जानना चाहती हूँ अभी थोड़ी देर पहले रिद्धि जी ने ये बात करी थी कि एबीसी उपचार है जी, जी। तो आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि क्या है वो किस तरह से उसकी मदद से जाने बच सकती हैं। एवीसी एक्चुअली क्या है नसवंदी एक प्रोग्राम होता है डॉक्स में जिसके द्वारा नसवंदी होती है डॉक्स की फीमेल्स की और मेल्स की जिसके द्वारा क्या है डॉक्स की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होने लगती है सोसाइटी जी, 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 में और उससे इनडायरेक्टली मृत्यु दर पर भी अंतर आता है हुँ. ना तो जब मृत्यु दर कम होती है तो क्या है डॉक्स की अपन इनडायरेक्टली अपन देखा जाता है कि पप्स है वो बेचारा कोविड कैनाइन डिस्टम्बर से खत्म हो रहा है एक है वो पार्वो से ख़त्म हो रहा है तो जब अब क्या होता है कि इतने लार्ज स्केल्स पर अपन वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं चला सकते कि अब हम हर हाँ गांव गांव में अपन जाके डॉग्स के लिए अपन चला सकें तो उससे अच्छा नसबंदी करा के अपन डॉग्स की इनडायरेक्टली मृत्यु डर को अपन कमी ला सकते हैं अपन मृत्यु डर में कमी ला सकते हैं अपन साथ में आजकल रेस्क्यूअर हो गए एनिमल लवर हो गए बहुत अच्छे लेवल पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहे हैं तो उससे मैंने देखा छः पाँच से छः सालों में डॉग्स में पप्स में स्पेशली मृत्यु डर में बहुत सारी कमी आई है और इसमें मैं ग्रेटफुल रहूँगा एनिमल लवर्स का रेस्क्यूअर का उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया

तो मेरा ये अगला सवाल जैसे है कि अभी आपने बोला कि वैक्सीनेशन एक बहुत ही बड़ा हाथ है जो जिसकी वजह से ये सारा कुछ बदला जा सकता है तो दर्शकों के लिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वो उम्र है क्या वो वक्त है जब हमें उनकी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए वैक्सीनेशन जनरली वन मंथ से चालू हो जाता है तो ज, आ, कई बूस्टर लगते हैं लेकिन यदि एक से दो बूस्टर यदि वैक्सीनेशन का किया जाता है डॉक्स में तो मृत्यु दर में बहुत सारी कमी आ जाती है जो बीमारी है ना वो उसमें लड़ने की क्षमता डॉक्स में पैदा हो जाती है हा, हा, तो इसकी वजह से यदि आप दो मंथ में वैक्सीनेशन करवा सकते हैं पपी का और अच्छा, वैसे वैक्सीनेशन भी होता है एक बार यदि वैक्सीनेशन होने के बाद वैक्सीनेशन होता है अच्छा, तो एक बार जब वैक्सीनेशन करते हैं तो उसकी ग्रोथ रेट होती है जो मरने की जो मृत्यु दर होती है वो कम हो जाती है वो वाली यदि एक बार वैक्सीनेशन करते हैं तो काफी लंबे समय तक वैक्सीन का प्रभाव बॉडी में रहता है अच्छा तो लगभग हमें हर हर साल जैसे अभी आपने बोला कि हमें हर साल लगभग करवानी पड़ती है वो ऐसा क्यों करवाना पड़ता है क्या एक ही बार काफी नहीं होता है

हम लोग यूजुअली क्या करते हैं स्ट्रीट डॉग्स को देखा हमने पांच रुपए का पार्ले जी बिस्किट खरीद लिया नहीं, नहीं, या मैरीगोल्ड का बिस्किट खरीद लिया तो उन्हें दे दिया तो मेरे मुझे जानना चाहती हूँ कि क्या ये पार्ले जी बिस्किट या फिर कोई भी प्रकार के बिस्किट देना सही है या नहीं है और अगर नहीं है तो क्या ऐसे हम आ, अफोर्डेबल चीजें दे सकते हैं जो किसी भी जानवर के लिए हानिकारक ना हो एक्चुअली uh, पार्ले जी बिस्किट्स और जो मैरीगोल्ड बिस्किट होती है ना इनमें काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड वीट दे फ्लो रहता है मतलब मैदा रहता है हाँ और काफी ग्लूकोस रहता है शुगर रहती है शुगर ऐसी शुगर होती है जो जल्दी बॉडी में अब्जॉर्ब होती है मतलब ब्लड में बहुत जल्दी जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका शुगर लेवल बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ जाता है चीज़। और इससे क्या इंडायरेक्टली बॉडी के हेल्थ इश्यू पर इफेक्ट आता है हाँ। और यदि पार्ले जी बिस्किट्स ये डेली जनरली दिया जाए तो मैंने देखा है केसेस ओबीसी मोटापा बहुत देखने को मिलता है डॉक्टर में ये के केसेस मिलती है क्योंकि उसे एलर्जी क्रिएट हो रही है ना बॉडी में और यदि ये सब चीजें नहीं देना चाहिए इसके और भी कारण होते हैं मैं टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जानना चाहता हाँ। तो ये जनरली नहीं देना चाहिए अच्छा। साथ में क्या होता है कि इसकी सारी मार्केट में है। इंडियन, इंडियन सोसाइटी में तो कट हो गया मठा हो गया जितना पार्ले जी का बिस्किट का क्वान्टिटी होती है उतने में मठा आराम से आ जाता है और दस रुपए में आराम से पेट भर सकता है एक टाइम का भरी सकता है साथ में यदि कोई नॉन वेज वाला है तो वो एग भी दे सकता है उतनी क्वान्टिटी का एग दस रुपए हुआ मिल जाता है है। तो ये आप कर सकते हैं। घर पे आप रोटी चपाती बैग में रखते हैं जहां डॉग मिलता है वहां उनको प्रोवाइड कर देते हैं तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन घर का जो बचा हुआ खाना डॉग्स के लिए ज़्यादा है एनिमल्स के लिए ज़्यादा तो इनडायरेक्टली उनकी उनकी क्या कहते हैं हेल्थ इश्यू भी कम हो रहे हैं हाँ इसलिए है। हम हमें का, काम करना चाहिए और जनरली आज लोग लोग नए जो जनरेशन के हैं हाँ। बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं मतलब इस चीज़ पे अच्छा तो जैसे कि रिधि जी, जी आप कई सालों से कर्तव्य सोसाइटी चला रही है तो पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कितने सालों से चला रही है हम मैंने दो में ये काम करना शुरू किया था तो और मतलब जैसे 600 से ज्यादा बच्चे हैं क्योंकि अब बहुत बढ़ चुकी है जी, जी, तो जाहिर सी बात है आए दिन कोई ना कोई परेशानी कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई तरीके के किसी ना किसी चीज का सामना करना पड़ता होगा आप लोगों को है ना तो ऐसी वो क्या चीज है फर्स्ट हेड जिसे हम कहते हैं आम भाषा में जी. कि जब कोई बीमार है मान लो बुखार है या जी. चोट लग गई या कोई भी आ, छोटी मोटी भी परेशानी आ रही है तो उसमें आप ऐसा क्या उपचार करती हैं क्या ऐसा विकल्प चुनती हैं कि वेट पे जाने से पहले पहले एटलीस्ट आप एक स्टेबल कंडीशन रख सके की जी सबसे पहले तो ये होता है हमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रीट पे देखने को मिलता है वो है एक्सीडेंट्स अच्छा कि गाड़ी वाला आया गाड़ी डॉग को लग गई है हुँ. पैर टूट गया है या ब्लीडिंग हो रही है तो उस टाइम जो वेट पे जाते जाते पहले तो मैं ये चीज बोलूंगी की देयर इज uh, एक रीजन है कि हमें हमेशा खुद उपचार करने से पहले हमेशा एक प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए क्योंकि जो uh, हमारे ह्यूमन की मेडिकेशन है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम डॉग्स को नहीं दे सकते जी, हमें जी। पता नहीं होता कि वो उनके लिए पॉइजनस हो जाती है जी, जी। तो अब जैसे कि मान लीजिए हमें कोई जानवर मिलता है जिसको बहुत खून बह रहा है तो उस टाइम जो हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट होता है कि उस खून जो बहते हुए खून को रोकना जी बिल्कुल उस रास्ते में हम ये कोशिश करते हैं कि ठीक है उस पर कुछ मरहम लगा दें थोड़ा सा हल्का सा बीटाडिन लगा दें और तब हम तुरंत डॉक्टर के पास ले जाए अगर डॉक्टर को बहुत ज्यादा हीट स्ट्रोक है जो कि हमें देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है अभी गर्मी के समय बहुत हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है जैसे इंसानों को होती है तो उस टाइम हम थोड़ा मठा पिला के तापमान उनके सर उनका कम करने की कोशिश करते हैं थोड़ा ठंडा पानी डाल के ठंडा पानी पिला के और हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये बेसिक चीजें जो हम नॉर्मल इंसानों में करते हैं वो उनमें भी कर सकते हैं कि अगर हमारे घर में कोई बीमार है और हम उसे डॉक्टर के पास ले जाना है, बिल्कुल। तो बिल्कुल एक एक बेसिक आम इंसान जैसे हम चीजें कर सकते हैं जाना जा क्या वो ऐसी है जो तौर पर जानवरों के लिए इस्तेमाल करी जा सकती है उनकी सादी बीमारियों में जैसे बुखार खांसी ऐसी में कौन सी तरीके की दवाइयाँ इस्तेमाल करी जा सकती हैं जनरली क्या होता है जनरली इवन मेडिसिन नहीं देना चाहिए लेकिन होम मेड न्यूचुरल रेमिडीज़ होती है लाइक हल्दी हो गई थर्मेटिक हल्दी का पाउडर का हल्दी पाउडर का दूध पिला दिया तो खांसी में अच्छा होता है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है बिटाइन मिल जाता है जो घाव पर लगाता है एंटीसेप्टिक का काम करता है ठीक है तो इस तरीके की होम काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो यूज़ कर सकते हैं ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो उस एरिया को कवर कर दे बांध दे टाइट बांध दे जैसे ब्लीडिंग बंद हो जाए उसके बाद ऊपर से कवर कर दे घाव को ये सब चीज़ें कर सकते हैं लाइक बुखार आ रहा है तो बुखार

उम्मीद करती हूँ आपकी जानकारी में थोड़ा सा इजाफा हुआ होगा थोड़ा सा ज़्यादा हम समझा पाए होंगे कि स्ट्रीट डॉग्स की हम जान को कैसे बचा सकते हैं तो मिलते हैं अगले एपिसोड में शनिवार को शाम छः बजे देखना मत भूलेगा हमारा प्रोग्राम पेट केयर तब तक आपसे अलविदा लेती हूँ नमस्कार